वो म्यूजिक वेलकम वाला ही चल रहा है, नाम बदल दिया इन्होंने, लेकिन आए तो वेलकम की ये अगली वेलकम है, अगली बहन है ये वेलकम की, तीसरी छोटी बहन। तो पागलपंती इसमें बस ये किया है, मुझे जहां तक लगता है कि सौरभ शुक्ला नाना पाटेकर वाला जो है रोल, वो सौरभ शुक्ला के हिस्से में आया इस बार। शायद नाना पाटेकर जी ने मना कर दिया होगा कि भाई ऐसी फिल्म मैं नहीं कर पाऊंगा बार बार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मेरा नाम है मुनीश। मेरा नाम विजेंद्र। और आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है एक ट्रेलर, पागलपंती का ट्रेलर आया है, बहुत टाइम हो चुका है लेकिन हम बहुत लेट कर पा रहे हैं इस ट्रेलर का रिएक्शन, लेकिन फिर भी करके देखते हैं, आप लोगों को शायद हमारे रिएक्शन का इंतज़ार हो। तो इसमें है अनिल कपूर, जॉन इब्राहिम, इलियाना डिक्रूज, अर्शद वारसी, उर्वशी रोटेला, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा। और इस मूवी को भी डायरेक्ट किया है अनीस बज़मी ने। अनीस बज़मी इससे पहले आप उनकी मूवीज़ वेलकम, वेलकम बैक, फिर और उनकी नो एंट्री, लाइक बहुत सारी मूवीज़ आप देख चुके हैं। तो इस मूवी को देखते हैं, इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं कि कैसा ट्रेलर है, तो पता चलेगा कि मूवी कैसी है। बूट डाल दिए। पैसे अपने बैंक में न रखे और आपने इसे बैंक में रख लिया। सनी महाराज इसके पीछे नहीं पड़े, कल की गोद में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। भयंकर साढ़े साथी शुरू हो गई है जी। आप लोग साइंस में मारते हैं, नॉन साइंस में नहीं। दिमाग तुम न लगाना क्योंकि हम में ये है। तुम हमारी बेटी को क्या कहते बुलाओगे बहन? मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चमक से कौन सी चटनी चढ़ाई। चंदू की कोई चाची या चाचा नहीं है। चंदू कभी चांदनी चौक गया ही नहीं। नहीं गया ना? ना इनिंगो फुल के सम्राट क्या है। मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए अभी के अभी। हम सब करोड़पति बन सकते हैं। अरे पागलो ये आपके यहाँ जो ऐसी मौत मरते हैं उनको शहीद कहते हैं? आगे हमारे यहाँ इसे कुत्ते की मौत मरना कहते हैं। इसके मासूम चेहरे को देखो, कितनी अभागी, कितनी असहाय, कितनी खौफ अबला है। ये फिर से बोलता है फेवरेट सॉन्ग मालूम क्या था? तुम और हम हयात के तू भी मारे झटके से जा रहे हैं क्या भाई। एक और पागलपंती भरी मूवी है, मतलब वेलकम जो वेलकम सीरीज जो है ना उसी का म्यूजिक लग रहा है। वो म्यूजिक वेलकम वाला ही चल रहा है, नाम बदल दिया इन्होंने लेकिन आए तो वेलकम की ये अगली वेलकम है, अगला अगली बहन है ये वेलकम की, तीसरी छोटी बहन। तो पागलपंती इसमें बस ये किया है, मुझे जहां तक लगता है कि सौरभ शुक्ला नाना पाटेकर वाला जो है रोल, वो सौरभ शुक्ला के हिस्से में आया इस बार। शायद नाना पाटेकर जी ने मना कर दिया होगा कि भाई ऐसी फिल्म मैं नहीं कर पाऊंगा बार बार।
पर ये भी मतलब कॉमेडी से भरपूर ही होगी मूवी। धमाल ही है, मतलब धमाल ही है, धमाल चौकड़ी। एंड में जो लास्ट के 20-30 सेकंड थे ना, वो खुद ही हंसे जा रहे थे। एक बेड पे हंस रहा है, वाह क्या डायलॉग मारा है। एक डायलॉग आया था ना समझ वाला, एक डायलॉग होता था गोविंदा का, वो इसमें उन्होंने मतलब ही कर दिया उसको। और फिल्म के अंदर स्टार कास्ट बहुत ज्यादा है, हाउसफुल ना बन जाइए। हाउसफुल में भी ऐसे ही होता है ना, तीन होते हैं, तीन लड़के तीन लड़कियां, इसमें भी तीन लड़के तीन लड़कियां कर रहे हैं। और बेचारे हमारे जो पुलकित सम्राट है, उनका रोल तो थोड़ा थोड़ा तुषार कपूर जैसा लग रहा है, मतलब गोलमाल वाले। वही, और अर्शद वारसी का भी वैसा ही है थोड़ा सा, उनका वो जो रहता ही है। हाँ, जैसा मुन्ना भाई है, भी ऐसा वाला। अर्शद वारसी का एक चीज है, इन सब में मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो कॉमिक टाइमिंग है वो अर्शद वारसी की है। अर्शद वारसी कोई भी डायलॉग बोलते हैं ना, उनके डायलॉग्स पे हंसी आती ही आती है। जैसे बीच में उन्होंने एक डायलॉग पंच मारा था उन्होंने एक जगह, चुब्बे हलवाई। हाँ, वो अलग साउंड कर रहा था, टोन ही वैसा है, मतलब बिल्कुल आपको मतलब हंसी आ जाएगी बिल्कुल ऐसे सुनते ही। जॉन पे इतनी नहीं लगती है, पर गर्म मसाला में उन्होंने की है। उनपे एक्शन मूवी ज्यादा अच्छी लगती है, पर वो फिर भी सही करते हैं, मतलब टाइमिंग उनकी भी थोड़ी सी उतनी नहीं सही। अर्शद वारसी की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग है, जॉन इब्राहिम को वो टाइमिंग लानी पड़ती है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है उस चीज के ऊपर। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, डिपेंड करता है। अर्शद वारसी का कोई भी, अर्शद वारसी से अगर उनको जैसे तीन लोगों के साथ वो एक फोन पे बात कर रहे थे, तीन लोगों के साथ वो बोल रहे होंगे ना, तो वो नहीं निकल के आएगा फ्लेवर। लेकिन जब वो अकेले कर रहे होते हैं कॉमेडी, तो वो अच्छी करते हैं। जैसे वो अबला नारी वाला ये इतनी अबला नारी। और बाकी जो भी है नए हैं वो भी, इलियाना मतलब कॉमेडी वाला पार्ट देखते हैं कैसा है। इस मूवी के अंदर मतलब कॉपी किए हुआ, मुझे लगा कि सारे ही करेक्टर, जैसे तुषार कपूर वाला पुलकित सम्राट कर रहे हैं जो गोलमाल में था उनका, और उर्वशी रोटेला जो है वो भूत वाला ही करेक्टर कर रही है जो मस्ती में उनका था, ग्रेट ग्रैंड मस्ती के अंदर। नाना पाटेकर का रोल शाहरुख शुक्ला कर रहे हैं, और वेलकम मूवी नए नाम के साथ आपके सामने। और इनकी एक्टिंग तो अच्छी होती है, हमारे जो शाहरुख शुक्ला है वो काफी पुराने एक्टर है, मजे हुए। और अनिल कपूर का भी मतलब सही होता है, कॉमेडी वाला सेक्शन जो रहता है उनका सही होता है। और अनिल कपूर इस मूवी का पार्ट इसलिए भी है क्योंकि वेलकम सीरीज का वो पहले से पार्ट रहे हैं रेगुलरली, इसमें जो रेगुलर पार्ट है रहे हैं वेलकम का, वो अनिल कपूर ही है, बाकी सारे नए एंट्री है। तो ये था इस ट्रेलर का रिएक्शन, हमारा रिएक्शन। पागलपंती तो पागलपंती है, शुरू में ही उन्होंने बोल दिया दिमाग दिमाग है नहीं इसमें, तो ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो वो चलती भी वैसे ही है, कुछ भी हो रहा है, स्टोरी स्टोरी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। पागलपंती है बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर, मतलब मजा आएगा, मजा है। तो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो टाइम पे मिल सके, और लाइक का बटन दबाएं, शेयर का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।